सलमान खान जो लाखों दिलों पर राज करते हैं उनकी सुरक्षा खतरे में है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने सुना होगा कि सलमान खान को बहुत सारे कॉल्स अब तक आ चुके हैं जिसमें सलमान को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, लेकिन आज सुबह उनके बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलियां चली हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि सुबह के 5 बज रहे थे, उस वक्त सलमान घर पर ही मौजूद थे, उनका पूरा परिवार घर पर था और तभी सुबह 5 बजे के करीबन आवाज आती है गोलियों की और पता चलता है कि 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे, उन्होंने 4 राउंड फायरिंग की और वो मौके से फरार हो गई है। जैसे ही ये जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, मुंबई पुलिस फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है और इस पूरे मामले पर जांच आगे की जा रही है। देखिए, इसको लेकर एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को लगा है हाथ, जिसमें वो 2 बदमाश जो है भागते हुए नजर आ रहे हैं, बाइक पर सवार हैं, उनके मुंह पर जो है कपड़ा बंधा हुआ है क्योंकि अपना चेहरा ढका रखा है लोगों ने और वो बाइक पर बैठकर वहां से रवाना हो गई है। उसका एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है, पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे जांच कर रही है और पूरे इलाके में जो सीसीटीवी फुटेज है उन्हें भी चेक किया जा रहा है जिससे कुछ सुराग मिल सके, बाइक का नंबर मिल सके बदमाशों का, या फिर इन बदमाशों के बारे में जानकारी मिल सके कि आखिर ये कौन थे, इन्हें किसने भेजा था और इनका मकसद क्या था। देखिए, 4 राउंड फायरिंग जब की है तो फॉरेंसिक टीम जब पहुंची तो उन्होंने वहां से मौके से कुछ खाली खोखे बरामद किए हैं और सड़क पर पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी गई है। इलाका जो है वो पूरी तरीके से पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, जहां पर सलमान रहते हैं उसके आसपास पूरे इलाके को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। साथ ही फॉरेंसिक टीम को बालकनी पर भी एक जो है गोली का निशान मिला है और एक बाहर की साइड है, एक अंदर की साइड है, 2 निशान जो है वो फॉरेंसिक टीम को मिले हैं। अब इस पूरे मामले पर फॉरेंसिक टीम पूरी जांच कर रही है, इसका कौन सी गन का इस्तेमाल किया गया है, क्यों फायरिंग की गई है और ये फायरिंग कितनी खतरनाक थी, अगर गलती से भी किसी को लग जाती तो कितना नुकसान हो सकता था, इस पूरी चीज की पड़ताल फॉरेंसिक टीम अब कर रही है। लेकिन जो अपार्टमेंट में गार्ड थे उनसे भी अब पूछताछ की जा रही है, 4 गार्ड वहां पर थे उनको भी बुलाया गया है पुलिस के द्वारा और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब सलमान की सुरक्षा पर इस तरीके से खतरा आया है, इससे पहले भी सलमान को कई बार धमकी भरे खत आ चुके हैं, मेल आ चुके हैं। इस साल की शुरुआत की अगर मैं बात करूं, जनवरी का महीना था, उस समय भी कुछ लोग जो है सलमान के घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर जो फेंसिंग लगी हुई है सलमान के घर के बाहर उससे अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि उन्होंने पुलिस ने उन्हें वहीं पर रोक दिया था। उनका यह कहना था हम सलमान के फैन हैं, हम सलमान से मिलने जा रही हैं, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया क्योंकि पहले से ही सलमान को इस तरीके की मेल आ रही थी, इस तरीके की कॉल आ रही थी धमकी भरी कि उन्हें मार दिया जा सकता है, उनकी जान को खतरा है। और साफ तौर पर इस पूरे जो खतरे के संकेत हैं वो लॉरेंस विश्नोई और गोल्डी बरान गैंग पर हैं, क्योंकि लॉरेंस विश्नोई ने एक बार टेलीविजन पर बोला भी था, खुलेआम धमकी भी दी थी सलमान खान को कि वो उन्हें जान से मार देंगे और उसके बाद से ही लगातार कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें धमकी भरे कॉल्स करते हैं, मेल करते हैं और उन्हें धमकी दी जाती है कि उन्हें मार दिया जाएगा। और आज सुबह जो ये घटना हुई है इसने तो और ज्यादा उनकी सुरक्षा पर सवाल भी उठा दिया और उनकी सुरक्षा को खतरे में भी बता दिया है, क्योंकि इस तरीके से जो आज घटना हुई है उसने सलमान की सुरक्षा को लेकर और चौकन्ना पुलिस को कर दिया है। पहले से ही उन्हें Y+ सुरक्षा दी गई है, उनके आसपास 7 से 8 जो पुलिसकर्मी वो हमेशा मौजूद रहते हैं जो उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। सरकार की तरफ से आज उनसे बातचीत भी की गई है जब ये घटना हुई है, खुद सीएम एकनाथ शिंदे ने उन्हें कॉल किया और पूछा है कि वो सुरक्षित हैं और उनकी सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में भी उनसे बात की है। देखिए, सलमान खान पॉपुलर हैं यूथ के बीच में और सलमान खान की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, वो सिर्फ मूवीज या फिर वो सिर्फ इंडस्ट्री में ही काम नहीं करते बल्कि वो सोशल वर्क भी बहुत ज्यादा करते हैं और वो सोशल वर्क के लिए भी जाने जाते हैं। सरकार के साथ भी उनका सामंजस्य बहुत अच्छा रहा है, लेकिन वो एक पूरा मामला जो आपने सुना होगा काला हिरण, जिसको लेकर उन पर केस दर्ज किया गया था जिसमें उनका नाम सामने आया था, इसी को लेकर विश्नोई समाज उनसे नाराज है और इसी के चलते उनको कई बार धमकी भरे कॉल्स भी सामने आ चुके हैं। इसी से उसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, जो कॉल्स उन्हें आ रही है उनका यह कहना है कि विश्नोई समाज उनसे नाराज है कई लोगों का, इसीलिए उन्हें धमकी भरे कॉल्स आ रही हैं।
और ये कॉल हमेशा लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के नाम से ही उन्हें आते हैं। देखिए पिछले साल की भी अगर मैं बात करूं तो उन्हें जोधपुर से एक कॉल आया था कि अगर वो जोधपुर आते हैं तो उन्हें सिद्धू मूसेवाला की तरह मार दिया जाएगा। इस तरीके के भी उन्हें धमकी भरे कॉल्स आ चुके हैं। यहां तक कि उनके पिता सलमान के पिता जब मॉर्निंग वॉक करके घर पहुंच रहे थे तो उन्हें घर के बाहर एक लेटर मिला था जिसमें उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि सलमान खान अब तू बचेगा नहीं, तुझे मार दिया जाएगा। इस तरीके के धमकी भरे लेटर्स उन्हें आए हैं जिसकी जांच के लिए पुलिस लगातार काम भी कर रही है। यहां तक कि पुलिस को भी कॉल आया था जिसमें कहा गया था कि सलमान खान को मार दिया जाएगा, जिसके बाद पुलिस ने चौकन्नी हुई थी और पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार भी किया था। उसकी उम्र भी बेहद 16-17 साल की थी जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। तो देखिए बहुत सारे ऐसे कॉल्स जो है वो सलमान को लगातार आ रही हैं और ये धमकी भरे कॉल आने के पीछे कनेक्शन काला हिरण से भी जोड़ा जा रहा है और भी बहुत सारे लोगों के अंदर उनको लेकर जेलेसी है। कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ताक पर हैं कि सलमान खान एक बार मिल जाएं तो उन्हें हम जान से मार दें। इस तरीके की बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन आज जो घटना हुई है उसने कहीं ये संकेत दे दिया है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो बेहद एक्टिव हैं, उनके निशाने पर सलमान खान है और अगर सलमान खान गलती से भी आसपास कहीं पर उन्हें दिख जाए तो वहीं पर वो उन पर हमला कर सकते हैं। ये डराने की भी साजिश हो सकती है, ये साफ तौर पर ये बताने की भी साजिश हो सकती है कि सलमान खान हमेशा हमारे निशाने पर है। देखिए ये हर साल होता है, पिछले साल भी हुआ, इस साल की शुरुआत में भी ये संकेत दे दिए गए थे कि सलमान खान को मार दिया जाएगा जनवरी में, क्योंकि ये जो धमकी भरा पत्र है वो मिला था, कॉल जो है वो आई थी, मेल आया था बकायदा। तो देखिए हर साल ये बताने की कोशिश की जाती है कि हम सलमान खान को जान से मार देंगे क्योंकि हमारा समाज रहा, और हर बार कॉल आती है विश्नोई जो नाम सामने आता है लॉरेंस विश्नोई का और गोल्डी बराड़ का, ये दो नाम ही निकलकर सामने आते हैं और हमेशा कॉल जब आती है तो इसी नाम से आती है। मेल्स जो आते हैं धमकी भरे वो भी इसी नाम से आते हैं और जो खत जो मिला था उनके पिता को घर के बाहर से वो भी इसी नाम से था। अब फिलहाल लॉरेंस विश्नोई और गोल्डी बराड़, क्या ये सचमुच लॉरेंस विश्नोई की तरफ से ही कॉल आते हैं या उनके गुर्गे हैं जो कॉल करते हैं, जो मेल करते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो गोल्डी बराड़ और लॉरेंस विश्नोई का नाम लेकर, उनका नाम का इस्तेमाल कर सलमान खान को धमकी दे रहे हैं। देखिए जो भी है फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है और बात यह भी सामने आई है कि अब और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, लेकिन वो जो दो युवक आए थे बाइक पर सवार होकर, अब पुलिस उनकी जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि इन दोनों का मकसद क्या था, कौन थे ये लोग, क्यों भेजा गया था, और साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम ये जांच कर रही है कि जिससे फायरिंग की गई है उन खोखो को बरामद कर दिया गया है उन्हें फॉरेंसिक टीम भेजा जाएगा ये पता लगाने के लिए कि किस गन का इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल इन सब की जांच चल रही है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सलमान को अब थोड़ा और चौकन्ना रहना पड़ेगा और साथ ही साथ उनकी सिक्योरिटी को और ज्यादा कड़ा किया जाएगा। फिलहाल आप इन सब चीजों पर क्या कहते हैं वो भी हमें जरूर कॉमेंट में राय दें।